आता तो नहीं था कि आप लोगों को बुला के यहाँ पे इससे बातें करनी पड़े, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सिंपल सी बात को इतना बड़ा बतंगड़ बना के पेश किया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो मेरे दिल से निकलता है कि जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी मोहम्मद रफ़ी साहब को अपना पिता माना है, जिसके गुरु का नाम उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब है, मोहम्मद ताहिर जी हैं, जिसके ड्राइवर्स मुसलमान रहे हैं अभी तक, जिसके ट्रेनर मुसलमान हैं, जिसके सबसे नज़दीकी दोस्तों में से जैसे वाजिद हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ बोला, वो उनको मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता हूँ। जब रोज़े रमज़ान होती हैं तो मैं खुद इफ्तारी के लिए बोलता हूँ, मैं आऊँ खाना खाने आऊँ, इफ्तारी के लिए आऊँ। मेरे घर में जब मेरे पैर में तकलीफ़ थी तो तलत अज़ीज़ जी ने आके मुझे मेरे घर पर इफ्तारी दी और मेरे बेडरूम में नमाज़ पढ़ी और वो अज़ान पढ़ी जिसके बारे में हम जिक्र करते थे। और उस इंसान के बारे में अगर कोई ऐसे सोचे या कहे या उसको ऐसे टेंट करे कि एंटी मुस्लिम एंटी इस्लामिक, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों की प्रॉब्लम है, ये इन लोगों की जो हमारे देश की मनस्थिति है उसका इश्यू है। मैं सिंपल सी बात जो जिस बात को कंस्ट्रू किया गया कि गुंडागर्दी है, उसके पहले का ट्वीट में एक लिमिटेड अमाउंट में लिखा जा सकता है, आप सभी को पता ही है, पूरा निबंध नहीं लिख सकते, यू कांट राइट एन एंटायर एसे ऑन अ ट्वीट। तो उसमें मैंने पार्ट बाय पार्ट लिखा था, जिस पोर्शन में मैंने लिखा था कि गुंडागर्दी है बस, उसके पहले का ट्वीट आपने जिक्र नहीं किया। मैंने लिखा था कि आई एम इक्वली अगेंस्ट द टेम्पल्स एंड गुरुद्वारास हु आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू वेक अप पीपल फ्रॉम द स्लीप्स हु डू नॉट फॉलो द रिलीजन। मैं नहीं, मतलब अगर मैं आई कैन नेवर डू दिस टू अ मुस्लिम कि वो उसके घर के सामने आके मैं बोलूँ हरे राम राम, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनको इससे कोई संबंध नहीं है। दे विल नॉट इन्जॉय वॉट मीन्स प्रेयर टू मी डज नॉट मीन प्रेयर टू देम। तो मेरा सिंपल सा ये कहना था कि हम इतनी थोड़ा सा आपस में एक कंसिडरेट नहीं हो सकते कि पूरे वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वहाँ ऐसा नहीं होता। आप अमेरिका बनना चाहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। आप ऑस्ट्रेलिया बनना चाहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। तो बार बार आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये बात पे जोर दिया जाता है कि एवरीबडी हैज़ द राइट टू देयर ओपिनियन, सो सिंपली आई ऑल्सो हैव द राइट टू माई ओपिनियन, इट शुड नॉट बी मिसकंस्ट्रूड। तो मेरा ओपिनियन ये है कि चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, वहाँ पर लाउड स्पीकर कोई रिलीजियस नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि लाउड स्पीकर का आविष्कार एडिसन की इलेक्ट्रिसिटी के बाद में हुआ है। तो ये कोई धर्म का हिस्सा नहीं है कि बहुत सदियों से चलती आ रही बात। ये एक मेरे हिसाब से जब किसी मंदिर के ऊपर या किसी मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगाया जाता है तो ये एक स्टेटमेंट बोली जा रही थी कि मैं देखो तुम सबको बता रहा हूँ यहाँ पे मेरे रिलीजन का चलता है। मेरे हिसाब से ये गुंडागर्दी है, ये मेरा मानना है। आपके लिए शायद ये लाड प्यार होगा, मेरे लिए लाड प्यार नहीं है। मेरे लिए ये गुंडागर्दी है कि कोई अपने धर्म को जोर जोर से, और मैं इक्वली प्रोसेशन, मैंने पहले भी ट्वीट में लिखा हुआ है, ये जो रास्ते में जब फेस्टिविटीज़ होती हैं, मैं कोई नाम नहीं लूँगा, उसमें जो लोग दादागिरी से करके नाचते हैं, ए हटो ये करो वो करो, इन लोगों की तकलीफ हो जाती है, पुलिस की तकलीफ हो जाती है। और क्या कर रहे हैं वो, बेसिकली धर्म के नाम पे शराब पी के नाच रहे होते हैं, फिल्मी गाने बजा रहे होते हैं। तो मतलब ये दादागिरी नहीं है। अगर मैं ये इशू कह रहा हूँ तो आप बुद्धिजीवियों को मेरी बात समझ के इस बात को सही तरीके से पेश करना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे भी तो उसी देश में बढ़ने वाले हैं कि नहीं बढ़ने वाले। यू वॉन्ट कीप द सेम कंट्री एज वी लिव इन राइट नाउ, आपके बच्चों को भी तो आगे बढ़ाना है। जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनको इससे थोड़ा सा बेटर देश देने में तो आप मदद कर सकते हैं कि नहीं। और अगर मैं ये कह रहा हूँ मेरे ट्विटर के माध्यम से सुबह सुबह उठ के, तो आप इसको अलग तरीके से क्यों ले रहे हैं? मैं मुझ जैसा आदमी, मतलब इतना सेक्युलर मैं समझता हूँ अपने आप को, ना मैं राइट विंग हूँ ना मैं लेफ्ट विंग हूँ, मैं इधर बीच में स्टैंड करता हूँ। शायद मैं जानता हूँ कि मुझ जैसे लोगों की तादाद कम है, ज़्यादातर राइट विंग है, ज़्यादातर लेफ्ट विंग है, बीच के लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं बीच में खड़ा हूँ, मैं माइनॉरिटी हूँ एक्चुअली। खैर, मेरा यही आप लोगों से कहने का मतलब था, हालांकि मैंने ज़िंदगी में कभी इस तरह की बड़ी बड़ी बातें ऐसे भुला के नहीं की है। हम आपस में आप ही बातें करते हैं, हम भी बातें करते हैं, बट आई नेवर हैड टू रूट मेक अ स्पीच आउट ऑफ दिस, जो मैंने कभी बिना प्लान किए मैं कह रहा हूँ। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, पर मेरे कहने में किसी का निरादर नहीं है।
मैं एक सोशल टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ना कि रिलीजियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो इसे उतना तक ही रखें। आपकी कुछ सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नवभारत टाइम से जी, ट्विटर पे तो हमने देखा कुछ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सामने लिखते हैं, और जो आपको बुराई कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे लिखते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा फोन कॉल आपको आया जिसमें आपको धमकी मिली, क्या लिख दिया आपने, ऐसा कुछ हुआ, किसी ने फोन किया है, धमकाया आपको? नहीं, जो भी हो रहा है मुझे आप लोगों के माध्यम से मालूम पड़ रहा है। मैं वैसे भी फ़ोन कॉल लेता नहीं हूँ एक्चुअली, फ्रेंकली। सो आपने देखा होगा मैंने आपके भी फ़ोन नहीं लिए थे, तो मैं फ़ोन लेता नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा कोई कॉल नहीं आया। कभी आपने पुलिस कंप्लेंट की थी लाउडस्पीकर का? कभी नहीं, मैं कभी मैंने कंप्लेंट नहीं की। सोनू जी, Nika have said that you should consider changing your house rather than creating an issue with your because religion is something that is sacred. They understand your point of noise pollution, but they still feel that the way you said it is was perhaps not right. No, not really. ऐसे महानुभावों की बातों को आप ही जानती हैं कि उसका क्या तत्व है, क्या फायदा इस बातें करने का। ये यही वो गुंडागर्दी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। मैंने आलिम को बुलाया, ये बाल अब जो देख रहे हैं ये मैं काट दूंगा कुछ देर में, एंड ये कोई चैलेंज नहीं है, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये एक आप लोगों से निवेदन है कि आप इस देश को क्या बना रहे हो। व्हाट आर यू मेकिंग दिस कंट्री आउट? आप इस देश को क्या कर रहे हो? कोई भी फतवा निकाल सकता है किसी के खिलाफ, कोई किसी को लिंच कर सकता है, और मैं बिल्कुल भी ना हिंदूवादी हूँ ना मुस्लिम, मैं तो मानता ही नहीं, मैं बिलीवर हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ, पर मैं बिल्कुल भी ये नहीं मानता कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है या इसका धर्म खराब है, मैं बिल्कुल ऐसे मानता नहीं हूँ। आई एम अ बिलीवर, बट आई बिलीव एवरीथिंग। हम अजमेर शरीफ में भी गए हुए हैं, उसी समय पुष्कर के वहाँ मंदिर में भी गए थे, अभी ग्वालियर में मेरा शो था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ पर जाके बैठ के मैंने लंगर खाया। तो ये कोई बात नहीं है कि हम कोई फैनेटिक्स, बट फैनेटिसिज्म को आपको लड़ना पड़ेगा। आप ये ऐसे चुपचाप नहीं कर सकते, सिर्फ ट्विटर में लिखते रहते हैं, यू नो, स्टैंड फॉर द कंट्री, ये कर दो वो कर दो, दम है ना, तो ऐसी बातों पर बोल के दिखाओ। सोनू शिवांगी दिस साइड फ्रॉम आज तक, जी, लेकिन क्या आपको कहीं लगता है कि कहीं मिस्टेक होगी, टाइमिंग जो थी थोड़ी उतनी नहीं थी, व्हाट इज द राइट टाइम, टेल मी, क्या सही वक्त है? बिकॉज़ बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं एक साथ, योगी जी की जब से सरकार आई है तीन तरह का मुद्दा और ज्यादा उठा लिया गया है, उसका मुझसे क्या संबंध है? कहीं ना कहीं टाइमिंग है सेंटीमेंट्स को, मेरे ख्याल से टाइमिंग, अगर टाइमिंग सोचना बिल्कुल के अलावा, ट्विटर के अलावा भी कोई और प्लेटफॉर्म था जहाँ पे ये बात रही है, इस मुद्दे को रख देना चाहिए, और क्या आपको लगता है ये सबसे बड़ा देश का मुद्दा है जिस मुद्दे को आपने उठाया है? देश के और भी कई सारे मुद्दे हैं। बिल्कुल, मैंने ये मुद्दा पकड़ा है, आप कुछ और पकड़िए। मेरा ये सारा दारोमदार तो नहीं है कि मैं हर मुद्दा पकड़ूँ, मुझे ये मुद्दा सही लगा, मैंने ये मुद्दा पकड़ा, बाकी बचे मुद्दे आप पकड़े। टाइमिंग तो कुछ भी सही नहीं है, और टाइमिंग तो हर सही है। अब अगर हम ये बोले कि इसका मुहूर्त निकालेंगे, तो फिर हम वही बात करें बिल्कुल, एवरी टाइम इज राइट, जब जो बात आपको लगे वो आप। एक मिनट जी, सुनो शिवांगी दिस साइड फ्रॉम आज तक, हमने आपके घर के पास जो मस्जिद है वहाँ के लोगों से बात की, जहाँ की अजान की आवाज़ जो है वो यहाँ आती है, उनका उनसे बात की, और उनका कहना है, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 6 महीने से आप उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने दूसरों के नाम पे उनको कंप्लेन कराया है, यस, और कहीं ना कहीं पार्कर जो है वहाँ के ट्रस्टी, उनका ये आरोप है कि आप 6 महीने से उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, और जब नहीं हो पाया तो ट्विटर के जरिए उन्हें परेशान। मुझे पता ही नहीं मस्जिद कहाँ पर है, इसलिए देयर इज नो ग्राउंड टू ऑल दिस। I have another house close to Millat Nagar. So, sir, in conversation with Wajid Khan, do you agree with this point or what was it between Wajid Khan? मैं समझा ही नहीं, क्योंकि वो मेरी बात नहीं समझे। खैर, सबका हक है बोलने का, मैं अभी भी ये मानता हूँ कि मेरा सबका हक है, जो मेरी आप मेरी बात से अग्री नहीं करते तो आप भी मुझे कह सकते हैं,
फ़र्क है कि कुछ लोग गाली का इस्तेमाल करेंगे, कुछ थ्रेटन करेंगे, पर जिस तरह मुझे मेरी बात कहने का हक़ है, वैसे आपको भी मेरी बात को ना मानने का भी हक़ है। बट ये सब चीज़ें तरीके से भी हो सकती हैं। कोई बात, आई नो ट्विटर में ऐसा या सोशल मीडिया में इस तरीके से लोग रिएक्ट करते ही करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि लोग मुझे मिसकंस्ट्रू करें, मेरी बात को गलत समझें, मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलाई है। आलिम भाई, आलिम जी आ चुके हैं, ओके जी। क्या हाय रब्बानी भाई, ये मेरे गुरु जी के बेटे रब्बानी। मैं जो हमारे मुझे आप कोई इनसिक्योरिटी कैसे टेंट कर सकता है जब हम आपस में इतने जुड़े हुए हैं, लगता है जैसे मेरे सगे भाइयों से मेरा उतना प्यार नहीं होगा जितना मेरे इन भाइयों से मेरा प्यार होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से मैंने कुछ भी फ्रेम किया हो, हाँ करेक्ट। एक और बात बोलता हूँ मैं आपको, साइलेंस प्लीज, एक बात आपने ठीक कहा और इस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। शायद कुछ लोगों ने ये बात पकड़ी है कि मैंने मोहम्मद क्यों लिखा है, मोहम्मद साहब क्यों नहीं लिखा। दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। हम हिंदी में शिव जी कहते हैं, इंग्लिश में शिवा कहते हैं। हम इंग्लिश में लिखते वक्त शिव जी नहीं निकलता, शिवा कृष्णा रामा ऐसे आता है, श्री राम नहीं आएगा, श्री कृष्ण नहीं आता इंग्लिश में लिखते हुए। सो व्हेन यू राइटिंग अ ट्वीट जिसमें एक लिमिटेड जगह में आपको कुछ बात कहनी है, तो मोहम्मद साहब या प्रॉफिट मोहम्मद आदमी के दिमाग में आता ही नहीं है। क्योंकि हमारे जिस तरह किसी मुसलमान की भाषा में लॉर्ड जीसस नहीं आएगा, वैसे ही मेरी भाषा में भी मोहम्मद साहब इंग्लिश में मोहम्मद साहब नहीं आ रहा, मोहम्मद ही आ रहा है। पर अगर एक मिनट मेरी बात, अगर 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 तो अगर तो ये बात में किसी ने मुद्दा बनाया है तो मैं हाथ जोड़े कहना चाहता हूँ कि मेरा इंटेंट ये नहीं था कि मैं किसी के प्रॉफिट की निंदा करूँ। जब ट्विटर में लिखता है तो आदमी बहुत सोच समझ के छोटा छोटा डी की बजाय डी लिखता है, एस ई ई की बजाय सी लिखता है, तो हम सोचते हैं कि हम अपना मैसेज कन्वे कर दें। और इंग्लिश में नहीं आता मुंह से जो लोग अभ्यस्त नहीं हैं, रब्बानी के मुंह से आ सकता है क्योंकि ये लोग रोज़ उनका नाम लेते हैं, बोलते हैं हमारे मुंह से, इनके नाम से एक सिचुएशन नहीं आएगा ना, कृष्ण आएगा ना ये, क्योंकि इनकी इनकी भाषा में वो नहीं है, आप समझे। इट्स नॉट अबाउट किसी की किसी, ये जब बोलेगा, ये अगर रब्बानी बोलेगा कृष्णा, तो अरे तुमने कृष्ण क्यों बोला, जी कृष्ण बोला, ऐसे नहीं बोलेगा आदमी कोई भी। तो यू हैव टू ग्रांट दैट मच, यू हैव टू बी कंसिडरेट। आपको ये सोचना चाहिए कि एक इस आदमी की मंशा क्या है, और ये आदमी किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए ये बात नहीं कह रहा, ये आपको जानना चाहिए। इन द एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आप लोगों को थोड़ा इससे ऊपर उठना पड़ेगा, छोटे छोटे मुद्दों को ज़्यादा तूल दे के बड़ी बात को ना समझने का। ये आडंबर आप लोग कब तक रचेंगे, कब तक आप लोग इस तरह से इग्नोरेंट होने की कोशिश करेंगे कि छोटी बात पकड़ लेंगे कि इसने क्या बोला उसने क्या बोला, और आप बड़ी बात नहीं समझ पा रहे। बस ये मेरा बोला, बाल शेव क्यों करा रहे हैं सर, बाल शेव बाल बाल बनाने की जरूरत क्या है, ये क्यों बाल शेव करा रहे हैं। बट ये देखो तो आपको मिल जाएगा, ये कह रहे, इसका आंसर देने से पहले मैं आपको, आलिम और मेरे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो प्यार है, जब हम अच्छा कैन आई स्पीक ना, बस बस ऐसे मत कीजिए, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ नॉट हेयर टू स्टैंड लाइक अ बॉडी गार्ड विद मी, ऐसा नहीं। उनको मैंने बुलाया रिक्वेस्ट करके, ऐसा नहीं कि वो मेरे पे मतलब कोई ऐसा। मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि जो आज आलिम भाई करेंगे वो कोई एजिटेशन नहीं है, प्लीज़ इसको वैसा मत पेश करना। आप लोग राजा हो मीडिया के यार, ऐसे मत पेश करना कि ये दिखा दिया, ये चैलेंज दे दिया मौलवी को, ये कोई चैलेंज नहीं है। ये आपको बताना है कि बाल काटने वाला मुसलमान है, और जिसके बाल काटने का फतवा किया था वो हिंदू है, वही आदमी है, वो हो रहा है। पर इसी बात को हम प्यार से भी कर रहे हैं ना, इसमें कोई एनिमोसिटी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती पकड़ के मेरे बाल नहीं काट रहा। मैं अपनी मर्ज़ी से मेरे मुसलमान भाई को बोल रहा हूँ मेरे बाल काट भाई। आप फतवे की ही
कहानी, आप समझ रहे, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, फतवे की ही बात को हम प्यार से अगर इंटरप्रेट करें तो थोड़ा सा सही मैसेज पहुंचता है या नहीं पहुंचता। बहरहाल अगर आप लोगों की बात समझ आ रही है तो मैं बहुत खुश हूँगा, अगर नहीं समझ आ रही तो कभी ना कभी समझ आ जाएगी, फिर आप इस बात को याद करेंगे मैंने क्या कही थी। That's it. Thank you very much. And I will just move on. Sir, 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 sir,
अगर मैं टाइम निर्धारित टाइम के बीच में गा रहा हूँ और अपना शो उस समय खत्म कर रहा हूँ जिस समय खत्म करना है, तब आपको क्या आपत्ति हो सकती है? आपकी बात सही है, लेकिन चलो Bye.